चला बन जाए। हाय ये तो बिना स्टिक के चल ही नहीं। हाँ चलते हैं। सही। राइट में ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ। और जब पेशेंट इस तरह से चलता है तो उनके स्पाइन के ऊपर भी बहुत स्ट्रेस पड़ता है, उनका बैलेंस भी ख़राब हो रहा है और कई बार पेशेंट गिर भी जाते हैं जिसकी वजह से हिप में फ्रैक्चर हो जाते हैं, रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ए विशियस साइकिल, अगर हम इसको ठीक नहीं करते हैं तो पेशेंट ऐसे ही तकलीफ में रहते हैं। यहाँ आएंगे तो ये है बेसिकली प्रॉब्लम ना, ये डिफॉर्मिटी है, ये जो गैप है ना इसको ख़त्म करना है हमें। देखो मेरा गैप नहीं था। हाँ। जो इस टांग में आया ना तब से ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफॉर्मिटी आती है। टांग ऐसे नहीं होती मेरे, ऐसे नहीं होती, बाहर की तरफ रहती है ऐसे। तो देखो एंकल तो टच कर रहे हैं लगभग, लेकिन यहाँ कम से कम 4-5 इंच का गैप है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसी को करेक्ट करेंगे तो उससे आपके दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, चाल भी ठीक। ये कितने दिन पहले की बात है? नहीं ये टांग होने से 1 साल पहले। उसके बाद में एक बहुत चढ़ी है, फिर भी चढ़ी है। हाँ। इसके बाद भी चढ़ी है। अब तो मैं भी 4-5 सीढ़ियाँ भी चढ़ने ना था, धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। रेलिंग पकड़ के आराम से चढ़िए। अब इस काम के पहले ये काम सही थी। काफ़ी मुश्किल है। तो आज चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ नीचे। मतलब ये भी इतना मेहनत का काम है 7-8 सीढ़ी चढ़ना। हाँ बहुत बड़ी बात है। हम्म। नहीं कई बार चली जाती हूँ अंदर से, दिल करते मैं गुरुद्वारा जाती हूँ। हाँ हाँ। तो वहाँ कितने 4-5 सीढ़ियाँ 5-7 सीढ़ियाँ हैं तो चढ़ना पड़ता है। तो ये हम चेक कर रहे हैं जी कितना इनको प्रॉब्लम है। ये देखिए ये घुटने का सेंटर है, ये एंकल ज्वाइंट है, ठीक है, ये इधर है, और ये जो बोन होती है ना हमारी ये वाली, सॉरी ये हिप का सेंटर होता है। नॉर्मल इंसान में ये तीनों जॉइंट एक लाइन में होने चाहिए, जिनका पैर ठीक ठाक होता है तो उनका एक लाइन में होना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे कि आपका कितना लाइन से बाहर है, और फिर हम सर्जरी के बाद चेक करेंगे कि हमने करेक्शन करी या नहीं करी। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से देखते हैं। तो ये हमने एंकल का सेंटर लिया है और ये इसको हम ये हिप से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखो ये बाहर है, दैट मीन्स कि आपके पैर ऐसे टेढ़े हो गए। हाँ टेढ़ा, ये टेड़ा। ये देखो गैप आ गया ना बीच में। हाँ। तो इसलिए पॉइंट बाहर आ रहा है। जब हम सर्जरी के बाद चेक करें, मैं ना अब इधर नहीं करता तो ये बराबर इसी के हाँ जब सर्जरी करेंगे तो ये पॉइंट यहीं आ जाएगा, यानी कि पैर आपका सीधा हो जाएगा। इधर देखते हैं, ये हमने एंकल पे रखा, ये हमारा हिप जॉइंट है, ये देखिए। तो इसका मतलब है कि पैर ऐसे टेढ़े हो गए हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं ये भी ज़्यादा टेढ़ा है। हाँ दोनों ही टेढ़े हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये नीचे टच भी नहीं होता ढंग से। हाँ। जी तो इसको कहते हैं वेरस डिफॉर्मिटी, और जो नीचे टच नहीं होता इसको कहते हैं फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, यानी कि पैर मुड़ा भी हुआ है और टेढ़ा भी है। तो हम दोनों ही करेक्शन करेंगे। तो सर्जरी में डिफॉर्मिटी यानी कि जो टेढ़ापन है उसको ठीक करेंगे, दर्द को ठीक करेंगे, और आपकी जो चलने का डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। आप भी जानते हैं कि जितना सैर वैर करते हैं हम उतना फिट रहते हैं। इंसान जब घर में बैठता है पेन किलर खाता है तो शरीर खराब हो जाता है। सही चलना तो ये चाहती है अपने तो चलना क्यों, कौन नहीं चलना चाहता। फैमिली में आप होते हैं ना, जिम्मेवारियां तो होती हैं और इंसान चाहता भी है कि भी मैं पार्टिसिपेट करूँ हर चीज़ में। मतलब बच्चे का है जैसे, या जैसे कई बार कोई बाहर जाना है, पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो इंसान का मन करता है ना। अब इस स्टेज पे आप नहीं जाओगे कि भाई अब घर में रहें बस, तो आपकी जो सोशल पार्टिसिपेशन है ना वो कम हो जाती है, आपका मिलना जुलना कम हो जाता है। अब इससे क्या मुझे फर्क पड़ेगा कि मैं अच्छी चल पाऊंगी? अच्छे चल पाओगे और आपका घूमने का मन करेगा। मन करेगा। हाँ आपका मन करेगा कि मैं हर जगह जाऊँ, सबसे मिलूँ। बस यही चाहती हूँ, मेरा सारा सर्कल ना खत्म हो गया है। बिल्कुल नेचुरल, मतलब इंसान ना अकेला पड़ जाता है। सही बात है। तो अब हमने क्या करना है, जब ये पेन वेन सब ख़त्म हो जाएगा, सब नॉर्मल होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप डेली सैर करें, एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कम करें,
और फिटनेस की तरफ ध्यान दें। मतलब ये सिर्फ घुटने की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ओवरऑल हेल्थ की बात कर रहे हैं। घुटना चेंज हो गया तो एक छोटा सा इवेंट है, लेकिन इससे आगे हमने एक साल का गोल बनाना है, दो साल का बनाना है कि हमने वापस अपना टाइम जो था, जैसे हम 5 साल पहले फिट थे, 10 साल पहले, उस लेवल पर जाना है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलें, इनकी हिम्मत के ऊपर है। मतलब वो तो फिर मैं सुबह बैठे, हाँ धीरे धीरे ना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। मैं जाता हूँ रोज 5 किलोमीटर बस। ठीक है ठीक है, अभी एक महीने के डॉक्टर हम हैं, उसके बाद के ये हैं। सही बात है। चलो, ये उषा अरोड़ा जी के हम एक्सरे देख रहे हैं बिफोर सर्जरी। दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया, और इनके बीच में ये जॉइंट है हमारा नी जॉइंट। नॉर्मली ये गैप होता है फीमर और टिबिया के बीच में। एक्चुअली ये कार्टिलेज होता है, वो एक्सरे में दिखाई नहीं देता है तो गैप जैसा लगता है, बट ऑन मीडियल साइड आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो गैप है ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और बोन्स आपस में टच कर रही हैं। एंड बोन्स आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर, इसी वजह से पेन होता है। पेन के साथ साथ ये जो एक्सिस है टिबिया और फीमर का, ये भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो नॉर्मली जो टिबिया हमारा बाहर की तरफ होती है, ये अंदर चली जाती है और बो लेग्स बन जाती है। सिमिलरली ऑन दिस साइड आप देखेंगे ये फीमर एक्सिस और ये टिबिया एक्सिस अंदर चला गया है, और इसकी वजह से पैर टेढ़ा हो गया है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब पैर टेढ़ा भी है, पेनफुल भी है ऑन बोथ साइड्स। हमें इस तरह से इसको करेक्ट करना है विद रोबोटिक सर्जरी, और अब देखते हैं आफ्टर द सर्जरी। ये देखिए, इसमें फीमर का इम्प्लांट ये है, टिबिया का इम्प्लांट इधर है, और दोनों के बीच में गैप है। इधर भी आप देखेंगे ऐसे ही है, लेकिन कुछ लोग इस बात पे बात करते हैं कि इधर गैप के गैप में डिफरेंस है दोनों तरफ, जैसे इधर गैप ज़्यादा है दूसरी तरफ कम है। बट एक्चुअली होता क्या है कि ये जो गैप होता है, ये हम एक इस तरह से इंसर्ट डालते हैं फीमर और टिबिया के बीच में, और इसके अलग अलग साइज रहते हैं, 9, 11, 14, डिपेंडिंग ऑन द लैक्सिटी ऑफ द लिगामेंट्स। तो कई बार जब आप एक्सरे देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ गैप कम है और एक तरफ ज़्यादा है। एक्चुअली दिस इज जस्ट द साइज ऑफ द इंसर्ट, जो हमें अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग देखना पड़ता है। लेटरल व्यू में देखिए बिल्कुल अच्छी फिटिंग है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी, और कहीं भी कोई मिसमैच नहीं है। द आइडिया इज टू गेट ए परफेक्ट नी अगेन। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, और साथ में जब हम MIS टेक्निक से करते हैं तो मसल्स को प्रिजर्व करते हैं। इससे पेशेंट का रिकवरी पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है, पेशेंट की फिजियोथेरेपी कम रहती है, पेन किलर्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एंड यू कैन सी द कॉन्फिडेंस इन हर वॉक अगेन। द पोस्चर इज़ करेक्ट, देयर इज़ नो पेन, एंड नाउ शी इज़ डूइंग ऑल हर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। तो जो लोग सर्जरी से डरते हैं उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि नी रिप्लेसमेंट कोई बहुत बड़ी सर्जरी अब नहीं है, स्पेशली विद रोबोटिक टेक्निक। इस सर्जरी का एक और फ़ायदा है कि आपको जो डर लगता है घर से बाहर निकलने में, क्योंकि हर जगह सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, तो वो डर भी इस सर्जरी के बाद ख़त्म हो जाता है और आप बेझिझक हर जगह आ जा सकते हैं। तो उषा जी, हम चाहते हैं कि अब आप लाइफ को एंजॉय करें, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट यू। थैंक यू वेरी मच। किया है, दिस इज सेंटर ऑफ द एंकल, सेंटर ऑफ द नी, और हमारा ये होता है सेंटर ऑफ द हिप। तो जब हमने पहली बार इनको चेक किया था तो ये जो हमारा सेंटर था वो बाहर की तरफ था, और अब हम देखते हैं कि अब हम कहाँ पर हैं। तो ये देखिए, हमारा जो नी का सेंटर है वो बिल्कुल उसी लाइन में आ गया है। दैट मीन्स कि हमने मैकेनिकल एक्सिस को बिल्कुल एक लाइन में कर दिया है। इस तरफ भी देखते हैं, ये एंकल है, ये नी है, और ये देखिए बिल्कुल सेम लाइन में। जब तीनों सेंटर्स एक लाइन में आएंगे तो पेशेंट का जो वेट है वो बिल्कुल वर्टिकली जाएगा बोन के थ्रू। जब टेढ़े पैर पे वजन डालते हैं तो नेचुरली उसमें दर्द भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक बार घुटना मोड़ के दिखाइए, कितना मुड़ रहा है, 120 हमारा अभी आ गया है। जैसे जैसे स्टिफनेस कम होगी ये 130 तक जाएगा, और फिर आप चौकड़ी लगा पाएंगे जो आप। तो अब आप जो हम पहली बार देख रहे थे तो हमारे घुटनों में गैप था। अब नहीं है, अब मिल गए। तो हमारा देखो ये गैप तो सेम है जो पहले था सर्जरी से पहले, लेकिन ये जो गैप हमारे यहाँ थे घुटने, अब ये पास आ गए हैं। तो यही सर्जरी है, अलाइनमेंट बिल्कुल वही लानी है जो हमारी पहले होती थी। और जब ये अलाइनमेंट ठीक होती है, ठीक है नीचे कर लीजिए।
कर लीजिए। चलने में तो मुझे वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि अब दिल भी करता है कि उठूँ चलूँ कोई काम करूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने आप ही उठ के अपने काम करने की कोशिश करती हूँ। बाकी फिर भी क्या वैसे मुझे लेना चाहिए फिर कोई ऐसी बात जल्दी जैसे कहते हैं कि स्टेप जल्दी ना उठाओ जो ये बता रहे हैं निकले तो सर्जरी के बाद एक बार गिर चुके हैं लेकिन इसका मतलब हमने काम अच्छा किया है, कुछ खराब नहीं हुआ। बहुत अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी सर्जरी में ना एक ही चीज मुश्किल होती है, वो होता है डिसीजन, ऑपरेशन का डिसीजन। इंसान सोचता रहता है थोड़े 6 महीने और निकाल लूँ, साल और निकाल लूँ, पता नहीं सर्जरी के बाद क्या होगा। 10-12 साल हो गए, इतने साल ज्यादा होगा तो इतने साल में जो इतनी जगह नहीं गए ना, सब जगह जाओ सबसे मिलो, ठीक है? आपकी तरफ से, हाँ हमारी तरफ से, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।